कौन देने वाला, हमारे घर में चूल्हा सिलगाना बहुत मुश्किल, हमें लहसुन छिलके कमाए तो कमाए नहीं तो नहीं कमाए। दोस्तों जिस तरीके से आपने देखा था अगस्त 11 तारीख जो काली रात थी डीजे हंडली के जी हंडली रियोस में, जहां लोग परेशान हालात में घूमते रहे, दर बदर भटकते रहे। जी हां दोस्तों, जब एंशिएंट टाइम्स लोग वालों ने उस गली में जाकर उनका इंटरव्यू लिया था, आप लोगों ने देखा था मेरे चैनल के जरिए से, कितने लोग, कितने माए बिन औलाद हो गई, कितनी औरतें अपने खाविन के होते बेवा बन गई। जी हां, जितने बच्चे अपने माँ बाप के होते यतीम हो गए, उसमें आज तकरीबन 10 महीने बाद बहुत से लोग रिहा हुए हैं। लेकिन आज भी जो है बहुत से नौजवान जेलों में फंसे हुए हैं। जी हां, आज डीजे हल्ली के जी हल्ली के जो रियाज हुए थे उसमें 10 का तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी तकरीबन 70 से 80 बच्चे जो है वहां पर फंसे हैं। आज मेरे साथ उन बच्चों की माएँ हैं, उन बच्चों के लड़कों की बीवियाँ हैं, माए हैं। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि क्या हुआ था उस रात और आज इनके घरों में जो मातम हो रहा है, कोई है जो इनका दर्द सुनने वाला है? आज इनके घरों में जो परेशानी हालात है, जिस तरह से इनके बच्चे भूखे हैं, कोई है जो इनको इंसाफ दिलाने वाला है? आइए बात करते हैं। अब हमने कौन है कुछ ना, अल्लाह के सौ कौन भी नहीं है, उनके बाद अल्लाह रसूल के बाद ये वकीला है जो हमारी सुन रहे सौ। और अभी हमारे 11 महीना चले हमारे बच्चा, हमें क्या मेहनत करो तो बच्चा है तो देना कि वहाँ नहीं, हमारे बच्चों को क्या खिलाना, उनकी जो भी बच्चा हमें क्या खिलाना, वो अल्लाह को मन मल्ल हमारा दर्द कौन सुना। आज भी हमें रो रहे वैसा, जैसा घर में लाइट चलाती है वैसा हमारे बच्चे चले गए, हमारे साथ मरते तो गम नहीं था, जीते थे हमारे बच्चे अंदर है, भाई भाई मर गए उनको कितनी को उनको भाई, तो दो बच्चे कमल है वो भी जेल में है। तो MLA हमारे से है, हमें MLA से नहीं है, हमारा वोट लेने के वास्ते बराबर बहन जी माँ जी भाई जी सब करते थे, आज हमारे बच्चे हैं ना, आज कुछ ना कौन अल्लाह के सिवा, खैर अल्लाह उनको भी कामयाब कर दे। हमारे साथ अनिश भाई है, सिराजुद्दीन भाई है, सब हमारे साथ है, वकील है, अल्लाह उनको हमारे बच्चों को निकल ले कामयाब कर दे। कभी ना कभी माँ की फरियाद अल्लाह सुनता है, नहीं करते हमारे दो बच्चों को बुला लेते हैं, 15 साल का 20 साल का 17 साल की बच्चों को फिर भी उसके बाद फिर थोड़ा लाए रहा, फिर 20 साल का बच्चा अंदर नीचे है, 25 के संताली बच्चा नहीं था, अल्लाह जिन्हें मेरे रामनगर में था, अल्लाह का होया तो कुछ बुला ले बच्चों को 25 के संताली। आज वो नहीं उस वक्त घराटा हुआ था या जो ये चंगा हुआ था उस वक्त आपके बच्चे यहाँ पर नहीं थे? बच्चा नहीं चलता है, रामनगर में व्यापार कर लगा था, हमें सबूत की थी बच्चा नहीं चलता है, सबूत है देखो ना, तो अगर बोले तो भी सबूत नहीं देखे ना, काम में पकड़ लग देने का, हमें पकड़ लग जाती है, हमें ब्लाक जाती है सबसे घर पर, उनको पकड़ के फिर दस निकले। अब आपको इसमें कौन है, इसमें एडवोकेट हो या चाहे कोई और पॉलिटिशियंस हो, मदद करें फिर आज उस दिन प्यार निकला है, पूरे मेरे को मदद किया, अभी 9 सूर्तियाँ तो 1500 अभी 6 सूर्तियाँ बनने की, उन्होंने तो अभी मदद करने के लिए जिन्होंने जुलूस करती दस महीने इनके घरों में मातम हो गया था, कौन है, कोई है उनको जो इंसाफ दिला सकता है? जी हाँ दोस्तों, लॉयर्स बहुत से कोशिश कर रहे हैं, 10 महीने इनके घरों में मातम हो गया, 10 महीने से बच्चे भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर, औरतें जो है बच्चों के उठाए हुए हैं, एक माँ का दर्द है कोई जो समझ सकता है, एक माँ को जो है उसके बच्चों का इंसाफ दिला सकता है? आइए बात करते हैं एडवोकेट सिराजुद्दीन से और देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। सर, बहुत से लोगों की बेल हो चुकी है लेकिन आज भी बहुत से लोग अंदर फंसे हुए हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जिन लोगों की बेल हो चुकी है, जिनकी श्योरिटीज भर जमानत हो चुकी है, वो लोग बाहर आ गए, 95% लोग पूरे बाहर आ गए। अभी जो लोग अटके हुए हैं उनका मसला हाईकोर्ट में अटका हुआ है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा डेट जा रहा है, कल 29 तारीख 29 को हाईकोर्ट के अंदर हियरिंग है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उन लोगों की भी रिहाई मुमकिन है जो SC ST Act 219 में अटके हुए हैं। और UAPA के तो माशाल्लाह लगभग अल्हम्दुलिल्लाह आ गए बाहर, सारे एडवोकेट्स की मेहनत से, हमारे अनिस साहब की मेहनत है, हमारे ताहिर भी की मेहनत है, हमारी सेकुलर एडवोकेट फ्रंट की भी मेहनत है,
सब लोगों की मेहनत से ये लोग आ गए। अब जहाँ तक श्योरिटीज़ का मसला है, श्योरिटीज़ का हमारी सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट की तरफ से 1800 श्योरिटीज़ बने हैं, कैश श्योरिटीज़ को मिला के 1800 श्योरिटीज़ बने हैं। इसकी जिम्मेदारी अमीर शरीयत के मातहत में शहर के बड़े बड़े जिम्मेदारान सियासी जिम्मेदारान की भी मातहत से हम लोग उन लोगों की गाइडेंस में हम लोगों ने श्योरिटीज़ को पूरा फर्निश किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 19 केस से 18 केस, 19 केस जिसके 8 केस, 6 केस, जितने भी किसके 25 केस है वो लोग अटके हुए हैं और 3-4 केसेस में उनकी जमानत बनना बाकी है। वो 219 और 208 में अटके हुए हैं। इंशाल्लाह अगर पल परसों में ऑर्डर हो जाएगा तो वो भी अगले हफ्ते आने वाले 10-15 दिन में इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएंगे। सर, ये एक एक बंदे पर जो 28 केस, 25 केस, 30 केस लगाए, ये क्या 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 किस बेसिस पर लगाया गया है? देखो, दो लाइन एक साइन, पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको जो दिल में आता है वो लिखते हैं। इन्वेस्टिगेशन का पावर जो है, जो पुलिस को दिया गया है, वो कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक एक ऑफेंस हुआ वो 4 में डाल सकते हैं, अभी 4 ऑफेंस हुआ सिर्फ एक में डाल के 3 में छोड़ सकते हैं। उनकी दिल से उनकी वो फितरत है। ऐसा नहीं कि पुलिस हमारी कर्नाटक की पुलिस, इंडियन पुलिस बहुत अच्छा काम भी करती है, अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी करती है, सब सब कुछ अच्छा करती है। जब भी ये मसला मुसलमानों तक आ जाता है, जब ये कहीं भी कोई कास्ट को लेके या कोई भी ऐसी चीज़ों पे लेके, जैसा डीजेली का मसला हुआ, असल मुजरिम कहते हो साहब, सारी दुनिया देखी है कितने मुजरिम है, 40-50, 20-25, 30-40-50 उन्होंने गलाटा किया था। जो बाकी के जो लोग हैं वो आई विटनेस हैं इंसिडेंट के, जो देख रहे थे क्या हो रहा है, ये कौन है क्या है, सबको मिला के डाल दिया, ये सारी दुनिया जानती है। तो ये बेकसूर जिन्होंने, जो लोग बेकसूर फंसे हुए हैं, जिनको घरों से लॉक तोड़कर निकाला गया, जिनको घरों से दरवाज़ा तोड़कर, गेट तोड़कर, रोड पे जाने वाले को, खतीमीर बेचने वाले को, चाय बिकाने वाले को, ऑटो चलाने वाले को, दूध बिकाने वाले को, हजाम के मतलब कोई हजाम शॉप को कटिंग कराने जा रहा था उसको, कोई डॉक्टर शॉप को जा रहा था उसको, इन लोगों को जो रास्ते में जा रहा था इनको उठा लेगा, उन बेकसूरों का बेड़ा उठाकर उन लोगों की श्योरिटी का जिम्मेदारी सेक्युलर एडवोकेट फ्रंट ने ली। तो उन लोगों की जिम्मेदारी से हमें हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिलीज किया है। 1800 चिलर श्योरिटी बनाए छूटने वाले कितने अभी? लगभग 60 या 70 के करीब हैं छूटने वाले, उनके कई 4-5 केसेस में श्योरिटीज बाकी हैं, और ये जो किसी के बेल होने बाकी हैं, तो वो किसी के 2898 और 219 में जो अटके हुए हैं उनके जिसके बैलेंस हैं केसेस, जिसके बॉडी वारंट बैलेंस है, अगर ये 219 में बेल हो जाने के बाद में उनके बैलेंस श्योरिटीज़ भी बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो।